कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या को लेकर मचे बवाल को देखते हुए सोमवार में पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में बलात्कार और हत्या के मामलों को दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रस्ताव रखने वाले विधेयक को पारित किया जाएगा। इस विधेयक को बीजेपी की भी समर्थन प्राप्त है। उम्मीद है कि दो आदिवासी विधानसभा सत्र में बिल पास हो सकता है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य समिति बैठक में विशेष सत्र आयोजित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके एक ही दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि विधेयक को विशेष सत्र के दूसरे यानी कि मंगलवार को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। यह कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस घोषणा के एक दिन बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधित संबंधी विधेयक अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में पारित किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के कथित रूप से बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन भी खड़े हो गए। कई छात्रों के साथ डॉक्टर्स ने सड़कों पर रात दिन प्रदर्शन किया जिसकी वजह से मामला और भी ज्यादा गंभीर होता गया। आपको बता दें कि इस मामले में अध्यक्ष ने कहा कि मुझे अभी भी विधेयक के शीर्षक के बाद बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसे सदस्यों द्वारा चर्चा पारित करने के लिए मंगलवार को पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक हम दो आदिवासी विशेष सत्र बुला रहे हैं जिसमें अतिरिक्त कार्य शामिल किए जाएंगे या फिर किए जाने पर बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी छात्र शाखा तृणमूल छात्र प्रदर्शन स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा था कि हम बलात्कार और हत्या के मामले में दोषियों के मृत्यु दंड की मांग के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक लाएंगे। हम इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे और अगर उन्होंने विधेयक पारित नहीं किया तो हम राज्य भवन के बाहर धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होनी चाहिए। राज्यपाल इस बार जवाबदेही से नहीं बच सकते। बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं दी जानी चाहिए? आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा विधेयक को आगे बढ़ाने के निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य सरकार प्रशासन से पहले ही सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ भयानक बलात्कार और हत्या के मामले के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की ममता सरकार पर मामले को दबाने का भी आरोप है। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई से पहले ही दो मामले पर जांच कर रही है। पहला मामला यह है कि बलात्कार और हत्या का है। सीबीआई फिलहाल मामले की जांच कर रही है और अपराध के सिलसिले में कोलकाता पुलिस और एक नागरिक स्वसेवक को यानी कि संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो न्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।